हेलो एवरीवन, मैं हूं राना। आज मैं आप लोगों के साथ दुनिया की सबसे आसान दाल की रेसिपी लेके आई हूं, जो पराठा, रोटी, राइस सभी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो देर किस बात की, आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आइए से देख लेते हैं बनाना। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं मसूर की भुनी दाल की। और इसके लिए हमने देखिए मसूर की दाल लिया है, 1.5 कटोरी है, और इसे वॉश कर लेंगे। भुनी दाल बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए वे हैं, यहां पे मीडियम साइज की 2 प्याज को बारीक काट लिया है, 4 गरम मसाला जाएगा इसमें हम 4 लौंग, 2 हरी इलायची, कुछ दाने काली गोल मिर्च के, दालचीनी, 2 सूखी मिर्च और 2 तेज पत्ता। मिर्च अपने हिसाब से आप इसमें डालें और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सबसे पहले हम दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे, 2-3 पानी से इसे धो लेंगे। इसे अच्छे से मैंने 2-3 बार धो लिया है। आइए बनाना शुरू करते हैं। तेल लिया है कढ़ाई में और अच्छा गरम हो गया है तेल। इसमें प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें फ्राई कर लेना है और इसे फैला दिए हैं। कुछ प्याज को, हाफ प्याज को मैं चूर कर लूंगी, क्रश कर लूंगी, हाफ प्याज बाद में हम डालेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे प्याज को। अब 2 सूखी मिर्च जो हमने लिया था उसे हम इसमें फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। प्याज फ्राई हो गई है, इसे निकाल लेंगे। प्याज को और मिर्च को मुझे चूर करना है तो मैं बाद में चूर कर लूंगी। दाल बनाने के लिए हम कुकर ले लिए और कुकर में 2 टेबलस्पून हम तेल डालेंगे। ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था। और इसमें देखिए थोड़ा सा लिया है तेल और इसमें जो गरम मसाले हैं ये ऐड कर देंगे। अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। दाल डालने के बाद से हम यहाँ पे नमक को ऐड कर देंगे और इसे 2-3 मिनट हम भून लेंगे। दाल को हमें 2-3 मिनट बहुत अच्छे से भूनना है। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे दाल बहुत ही अच्छी सौंधी बनती है। बहुत अच्छे से दाल भुना गई है, 2-3 मिनट ही हमने भुना है और इसके बाद हम यहाँ पे पानी को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा और पानी ऐड कर दे रही हूँ। पानी अपने हिसाब से आप इसमें डालिए, जितनी आपको गाढ़ी दाल पसंद है, और ये दाल थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। एक बार नमक चेक कर लेंगे। नमक थोड़ा कम था तो मैं ऐड और कर दे रही हूँ। यहाँ पे आप नमक को जरूर चेक कर ले पानी के बाद से, डालने के बाद से, पानी डालने के बाद से। अब हम इसे कवर कर देंगे। ये दाल बहुत ही फास्ट, बहुत ही इजी रेसिपी है। जब भी आपको सर्व करना है आप थोड़ा देर पहले भी बना सकते हैं, मिनटों में ये दाल बन जाती है। और इस पे 2 से 3 विसल लगा लेंगे कि दाल अच्छे से गल जाए। जो प्याज ब्राउन करके रखी है मिर्च के साथ, मैं थोड़ी सी प्याज को बाद में डालूंगी और ये प्याज को मिर्च के साथ अच्छे से चूर कर लूंगी। प्याज को और मिर्च को देखिए अच्छे से मैंने यहाँ
से पील कर लिया है और थोड़ी सी प्याज मैं बाद में यूज करूंगी। आइए चेक करते हैं, दाल बहुत ही अच्छे से गल गई है। यहाँ पे जो हमने प्याज और मिर्च को चूर करके रखा था उसे डाल देंगे। प्याज मिर्च डाल के इसे एक दो बार चला लेंगे। भुनी दाल बनकर रेडी है, तैयार है। आइए इसे डिश आउट करते हैं। मेरे बच्चों को ये दाल इतनी पसंद है कि ये लोग इसे फेवरेट दाल कहते हैं। जब भी पूछते क्या बनाया, फेवरेट दाल, तो आज उनकी फेवरेट दाल बनी है। आइए इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ही टेस्टी यम्मी सिंपल दाल बनकर रेडी है। झटपट दाल बन जाती है, बहुत ही जल्दी, आपने देखा। और हम लास्ट में यहाँ पे जब आप सर्व करेंगे तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून यहाँ पे घी ऐड करेंगे। घी के साथ दाल बहुत ही अच्छी लगती है। सर्व करते वक्त यहाँ पे मैं घी डालती हूँ। और जो हमने प्याज रखा था उसे डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके साइड में। और मैं थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे बहुत ही पसंद है। भुनी दाल बनकर रेडी है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। Thank you.